में अपने किराएदार, ठीक है, सबकी इसी बहन चोद दूंगा, रोस्टिंग के नाम पे कलंक कर दूंगा, तुम्हें तो बहन के नोड़े हो, कभी तुमने सोची मेरी रोस्टिंग क्या होती है। अरे गोल्डी भाई एक मिनट, मैं प्यार से बोलता हूँ, क्या पता आ जाए, है ना, बुला ले आ जाए तो। अरे धर्मेंद्र गढ़वी अंकल, मैं आपकी निशिता गढ़वी बहन की कसम खा के बोलता हूँ, आपकी चुतड़ों पे थप्पड़ नहीं मारूंगा, आपके मुंह पे नहीं मुतूंगा, आ जाओ प्यार से भाई, प्यार से बात होगी, आ जाओ। अरे नहीं करूंगा, समानता से भी शिकायत नहीं करूंगा, तुम्हारी मालकिन से भी शिकायत नहीं करूंगा भाई, मां कसम, आ जाओ। फिर किया मैंने ऐड। अरे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे भाई गोल्डी भाई, अरे जैनी बड़े, जैनिस पटेल थारी बहन सुधगी क्या, आता क्यों नहीं बहन के लंडो भाई 17 साल के टाइम पे। अरे गोल्डी भाई, अरे अंकित भाई 17 साल के बाड़क से इनकी गोंड फट रही है बुढ़ापे में, क्या गुंडे बनेंगे ये मादरचोद इंस्टाग्राम के यार। सही बात है भाई, कुछ बोला ही नहीं भाई अभी तो, मैं उसको प्यार से अंकल अंकल कह के बोल रहा हूँ, आजा भाई इज्जत दे रहा हूँ भोसड़ी वाले, मेरे बाप से भी 6 साल बड़ा है ये। हाँ हाँ गोल्डी भाई, मैं तो सही बोल रहा हूँ भाई, कोई गिला शिकवा नहीं है आईडी का, ये बहन गुड़ा गई, लेकिन लव यू है पूरा आईडी प्रॉपर। का तो 1% भी दुख नहीं, तुझे पता है ना आईडी की बनी, तुझे क्या बेस्ट, मुझे आईडी से क्या दिक्कत है, आईडी का तो बहन चुदाने गई, मेरे मेरे जो बात है ना, ये गंडुआ जब आईडी थी कदर कदी पीछे से कुछ कहता, मैं यूट्यूब पे देखता था, कदी कुछ कहता था, मैंने हमेशा, मैंने कह रहा छोड़ मुझे इस लेवल में नहीं बढ़ना, मुझे काउंटरशिप बढ़ना ही नहीं, जवाब नहीं देना, जब अब देख गाली तेरा दी नहीं बाप आज तक मैदान किसी में को। उतरा है ना फुल, तो तूने खुद ने उतारा है ना अपने बाप को, जबरदस्ती कर दी थी ना तूने अपने बाप के साथ सही के बात बाप है, आओ और मेरी माँ को गोल्डी चोद, जबरदस्ती करा था ना वो, तो भाई चुदा तो वैसे मेरा एक मैसेज रोज है गोल्डी चोदूंगा भाई, बहन के अब लोड़े, रोज एक कोई चोदूंगा अब तो नहीं तेरे आया दल्ले की कोई, तो बहन चोद दूंगा बहन के लोड़े। वो गोल्डी बैस के भाई लंड एक को ले मिनट, लो ना, मेरा बैस भाई के लंड को, जैनिश को, एक मिनट, अरे मेरा एक मैसेज, चोल को, नौकर है चोल बहन की के बोली लंड को। नौकर, अरे अरे पनौड़ी गोल्डी ऐड भाई तो जरा जा, शांत, गोल्डी भाई एक मिनट, मेरा जो ये ओ बहन के लंडो काले सुअर हो, बहन के लंड गुटखा खावा, तेरे मुंह पे गोदा मार दे बहन के लंड, सारे 32 निकाल दूंगा बहन के लंड, एक कहानी भाई तेरा लंबा लैंड लागेगा, तू बहन के लोड़े ऐड तो हो, चून की ऐड बोरी तो हो को, एक बार, चून की बोरी को, जेनिक्स अरे को। बहन के लंडो ये क्या करता है, सुनो ये क्या करता है, जो ये लड़कियों के साथ ये पिक्चर्स डालता है वो सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, उनका नाम बता दूं, भाई। हाँ रियली गोल्डी एलेक्स, भाई उस बोल चून सबकी की सब बोरी मेरी को ले फ्रेंड्स है लेना, भाई, जैनिश को, चून की बोरी को। अरे एग्री, ये किसका क्या नाम है, भट्ट भट्ट जो भी है भाई, सुन ले मेरी बात, इससे बात हुई है, अदर कोई भी ऐसे कोई मैसेज करेगा ना जिनको जानता है और कुछ भी कोई मैसेज कर दिया, देख मैं अलग सीरियस स्विस मैट कुछ लेके तो मैं ब्लॉक मार दूंगा भाई, कल को ये मत कहना भाई ने ब्लॉक कर दिया है, मजा वाली अलग है, मजाक मजाक मत करो अब। भाई मेरे को ये वाले अकाउंट भी ब्लॉक करके भागेगा ये पक्का, मेरा ये वाला अकाउंट भी ब्लॉक करके अरे भागेगा, उसको आता पता है चल, निश को, अरे उसको अरे पता चल गया भाई, ओ भाई नीचे उसको पता नीचे चल गया। बैठा है, बेशरम है बहन का लंड, बेशरम बेशरम आदमी होता है, बेशरम ढीठ है बहन का लंड, गाड़ी सुन सुन के ढीठ है, ऐसा मत बोलो भाई, अमेरिकन अमेरिकन है, ऐसा मत बोलो भाई, वो गुजरात का अमेरिकन है, ये भोसड़ी अमेरिकन, अमेरिकन लंड पे, मेरे लंड पे बैठा था अमेरिकन, यहाँ पहन के चाटी चाटी लंड चलेंगे, का चाटी अमेरिकन चाटी। पहन के लोड़े, साले इतना मारूंगा, दे थप्पड़ दे थप्पड़ तेरी बहन की सटर, दे थप्पड़ बहन के लोड़े, दे थप्पड़ तो मैं बहन के लंड तेरी लिकाड़ दूं, सारी गुटका गिरी है बहन गोल्डी के भाई अब लंड। आप, गोल्डी भाई एक मिनट मुझे एक चीज बोलनी है, अब 2 मिनट शांत रहना, मेरे को एक चीज पता है किसको बोलनी है, पनोड़ी को नहीं, मुझे एक चीज बोलनी है, ये कुछ अनपढ़ गवार, ये मोची पेट्रोल पंप में जॉब करने वाले मजदूर हैं, इनको मेरे को एक बात बोलनी है, ठीक है, ये मुझे बोल रहे हैं हवाबाज है, जबकि मेरे पास सारे एविडेंस है, और मेरे नहीं गूगल पे मिल जाएंगे सारे एविडेंस, ठीक है, मैं इन भरों को बोलता हूँ, भोसड़ी वालों अगर 5वीं कक्षा में तुमने भाई टीचर की लात चप्पल घूसे खाई होती ना टाइम टू टाइम, तो ये गवारों वाली बातें नहीं करते तुम। भोसड़ी वालों एक बात बताओ, अपने मालिक पनोड़ी को बोल कभी कि अब अपना उसने वर्किंग फॉलो करा कैसे, है, अब देखना अब कमेंट करेगा, फॉलो करके कमेंट मरकरी करेगा, भाई, मरकरी भाई एक बात बोलूं, बोलो बोलो बोलूं भाई, मैं बोलता हूँ मेरे को ना डीएम कर लेना, कुछ कर लेना, भोसड़ी वाला नंबर ले लेना, मेरी जाट का बाल टेटा कर देना,
गोल्डी भाई अरे के चक्कर में आ रहा बिल्कुल हूँ बिल्कुल, मैं, मेरी बात चलो वो तो अलग बात थी, कोई बात नहीं, भाई करो पनौनी मेरे को देख मैसेज तुझे कर। भी पता है, देख किसकी माँ चुदेगी तू, देखना स्टोरी लगाने लाइक भी नहीं रहेगा, आरआईपी तो पता नहीं किसका लिखा जाएगा, तू कोई नहीं यहाँ भाई पे वो बता कमेंट में दे, लिख रहा, हम हकीकत में लिख देते हैं, फर्क चप्पल इतना लगा के तेर बता में दे हमें, गोल्डी भाई, चप्पल लगा के बता दे तेरे को मेरी मीनिंग कसम है, मीनिंग मास पूछो किस लिए यूज होता है आरआईपी, ये पूछना एक बार, अपने पनौनी मेरे देखते अपने तेरी बात, अपने घर जब तेरे परिवार के यार लिए को भाई। दिखेगा ना तो सुन मेरी बात, जिस दिन टाइम आवेगा बहन के लंड चप्पल चप्पल पावेगी, तेरे गंडो यार मिल जाएगी, याद मानस रखिए। हाँ नहीं पाएंगे मैं, तो तेरे अरे अरे बहन के लोडे सुनो वहां यार कि नहीं मिलेंगे तेरे दोगले, बहन के लंड मर्द मर्द ही अरे होते हैं, सुनो बहन के लोडे हिजड़े हिजड़े ही अरे सुन होते सुन हैं, अरे गंडुए गंडुए होते हैं, समझ गया, अरे बहन के अरे लोड़े गोल्डी तो सबको पता है यहाँ। शांत, गोल्डी भाई शांत शांत, मैं ये कह रहा हूँ भाई किसी को भी नीचे से डेरी बान स्टोर में जॉब करनी है तो मैं उसको लगाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी पे तुम्हें डेरी बान स्टोर पे जॉब लगाऊंगा, क्योंकि इसकी मालकिन समानता भी इससे परेशान है भाई, गुटखा खा खा के भोसड़ी वाले ने दीवार लाल पीली कर रखी है भाई, कलर कर रखा है माधरचूद ने नहीं दांतों को इलाज कराने जाएगा वो, 15 दिन की छुट्टी। भाई, मैं लगाऊंगा मेरी गारंटी, कमेंट सेक्शन में भाई या मेरे को डीएम करो, डेयरी बान में किसकी जॉब लगानी है भोसड़ी के 16 घंटे, भाई पहली बोल रहा हूँ सैलरी $175 मिलेगी एक दिन की, $175 मैं लगाऊंगा भाई, समानता मालकिन से भाई मैं बात कराऊंगा तुम्हारी, और बोलो बोलो भाई, अरे अरे पता है क्या गोल्डी गोल्डी, भाई लव यू है, हमारी तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, और हमारे फॉलोअर्स तेरे को पूरे फॉलो कर रहे हैं भाई, दिल से लव यू है कि भाई कभी गाली गलौज करानी कुछ नहीं करा, तो खाली पेटी अड़ंगा चल रहा है भाई, और कुछ नहीं बांधा ना मेरे अरे भाई, मैं कमेंट सेक्शन में अपनी लव मैया यू है। प्रेग्नेंट है जॉब दिला रहा हूं मैं, डेयरी बान में तुम्हें जॉब करना है ना $175, मुझे डीएम करो, ना लगाई तब तुम मुझे बोलना, मैं लगाऊंगा भाई, क्योंकि गांड फट भाई गई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ दोनों भाइयों को, जो डेयरी बान स्टोर है ना ये 8 साल से भाई बहुत घाटे में जा रहा है, क्योंकि जो गैस बोल स्टेशन होते हैं भाई, न्यूयॉर्क में, हाँ घर से फोन आ रहा है भाई, 2 मिनट बाद आऊं, कर ले कोई दिक्कत ना, मजे ले मजे ले, अरे गोल्डी भाई इन बड़ों को मैं मजे नीचे कह रहा हूँ भाई, मैं इनको जॉब दिला रहा हूँ भाई, मैं दिला रहा हूँ इनको जॉब, बोलो मेरी गारंटी है जॉब दिलाने की डेयरी बान में, बोलो कभी भाई नहीं देखो बहन मानते। कैसे माँ चुद रही है ना, भाग गया गंडुआ फिर लाइव पे यार देख लो, अब तुम खुद देख लो, और भाई सुनो ये रियल बात है, एक बार अजमाना तो चाहिए, देखो इतने भी पागल ना बनो, अजमाना तो चाहिए कोई बंदा किसी चीज में, भाई उससे लिखो नीचे जाके यही कमेंट होने चाहिए भाई, एक हफ्ते के लिए अपनी शटर बंद करके लाइव ऑन करके दिखा, मैं मान जाएंगे हम, तू बहन के लोड़े तू खुद तेरे तू खुद मालिक है, और ये तीनों इन तीनों के लिए कमेंट है, कमेंट करो ना को तुम बंद करके दिखाओ, मान जाएंगे इन बहन के लोड़े को, हम बहन अरे के यो क्या लोड़े में बोल पोचा लगा रहे हो ना, पोचा लगा रहे हो बहन के लंडो, भाग जाओगे, दुकानदार मालिक बहन के लो गांड पे लात मार भगा देगा, रहे मालकिन है भाई, इसकी समानता नाम है उसका। हाँ समानता बहन के लंडो भगा देगी तुम्हें, बहन के लोड़े हो, और जो ये पैसा दिखाते है ना भाई, ये घी को लोड़ो, जो पैसा दिखाते है ना ये भाई, डेरी बांध ड्राइव थ्रू में और रोटी भाई, राम राम, कैसे राम राम भाई, राम राम राम। पहचानो, हाँ, पहचान लिया भाई आपको, रोटी देखते मेरी फाइल साहिल चौधरी की लाइव थी याद, अच्छा। हाँ, नहीं आपको याद नहीं होगा यार, मैं चलो, लाइव बहुत कमाता हूँ भाई, बहुत ही कमाता हूँ, आपको याद नहीं होगा भाई, नहीं मैंने बात तो की आपसे पहले कि क्या चल रहा है देखो भाई, गुजर लोगों का फेम खा के ये मजदूर लोग अमेरिकन बन रहे हैं इंटरनेट पे यार। बैठे बैठे, अच्छा एक मरकरी भाई, एक बात बताओ, ये कहती है ये डांस बार वाली लड़की मुझे पैसे दे देगी यार, ये बताओ, नाम क्या है ये उसका, कहती कि दो दो ये अनमोल अनमोल, ये रात को लाइव रोज चलाती है, आपके भाई का यहाँ पे अच्छा नाम है चंडीगढ़ में, मेरे को बदनाम बदनाम अरे करने के अनमोल ये लिए। भाई किसकी बात कर रहे हो तुम, ये अनमोल ना ये जो पहले बीच में ये पनोडी के अगेंस्ट हो गई थी, फिर उसका गू खाने लगी थी हाँ गुटके वाले, हाँ वही 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 वही, ये लोग मैं कहता हूँ भाई, मैं देता हूँ, मैं अगर मैंने इससे लियो ये रिश्ते, कौन लेगा डांस बार वाले, क्यों लेगा पैसे यार, कोई दे देगी, डांस बार वाली लड़की लूटती है, वो कभी देती नहीं है किसी को अरे पैसे यार। और इसके ये पता क्या रात कहती है भाई, मैं इसके पास गया था शान के लिए कि भाई मेरी, इसने बुलाया कि तेरी यहीं पे मीटिंग करा देते हूँ पेमेंट के लिए, तो मैं, इसने ना तो उसको मिलवाया, ठीक है, क्योंकि इसने शान से पैसे लेके भी खा लिए मेरे को लगता है, शान को फोन करता हूँ भाई, मेरी तो गारंटी थी अनमोल की,
किस कोई काम किया था, मगर अच्छा अनमोल की गारंटी है मां, चल मैंने वो भी पैसे छोड़ दिए इस पे, और इसको वैसे बहुत पैसे दिए ठीक है, भाई के बर्थडे तक के भी इस पे पैसे नहीं थे, वो तक मैंने दिए, कभी शूज लेने कभी कुछ लेके आने, इसकी आईडी जो चला रही है ना आज ये 50,000 60,000 की, ये भी मैंने दिलवाई है, इसके पैसे भी मैंने भरे। सबकी माँ चौधरी भाई, सबकी माँ चौधरी, तीनों दल लेने की तो भाई मैंने अब ये थोड़ी ना, ये यार ये लोग सारे इकट्ठे हो जाए किसी की भी इज्जत उतार दे, अब मेरे आगे बंदे कहते कहते भाई 2 लाख हम दे देते हैं, मैं कहा भाई एक बात बता, मैंने ली हो तो जभी तो दे, अगर मैं ऐसे अगर इंसल्ट करवाऊंगा तो मैं कहा मैं फिर तो मैं मेरी बेइज्जती है, मैंने इसका मतलब फिर लिए हैं पैसे अगर हम दे दें, क्योंकि मेरे जो अरे आपा सीधे आपा सीधे यहाँ है सॉलिड बोलो, बंदे ठीक है, आपा एक सीरियसली मिनट ना में लो ओके यार, करा दे इसकी एंट्री। सीरियसली ना लो इनको, ये क्या मेरे को एक बात बताऊं, ये इंस्टाग्राम की लड़कियां होती है ना जो फेम फॉलोअर्स खानी होती है, मैं लाइव पे बोल रहा हूँ भाई, रिकॉर्ड कर लो, जितनी भी इंस्टाग्राम की लड़कियां भाई लाइव पे फेम फॉलोअर्स के लिए आती है सब भाई ऐसी ही नहीं होती है, सब कभी ट्रस्ट मत भाई। इतनी गंदी कोई हो सकती है, अपने बेटे को भाई बता रही है, 16 साल का इसका बेटा है, इसको शर्म नहीं आता रंडी, तो उसको पढ़ा क्यों रही है जब तूने रंडी बाजी करनी नहीं है, वो साइड में बेचारा सो रहा था, वो इनोसेंट लड़का है बिल्कुल शरीफ, घुट घुट के जी रहा है वो, घुट घुट के मतलब इतना घुट घुट के जी रहा है इसकी गंदी हरकतों के कारण, ये बहनचोद रंडी बाजी चलाती है, कस्टमर लेके आती है ऊपर, और ये अपने आप को साफ सुथरी बताती है बहनचोद, इतना गंदा मुंह, पहले कलकत्ता से दिल्ली भागी, दिल्ली की बुराई कर रही है, दिल्ली में इसके काम नहीं बने ना, दिल्ली के तेरे से चुदेंगे नहीं बहन की लोड़ी, भाई दिल्ली के दिमाग भाई दिमागदार लोग होते हैं। एक मिनट मिनट, हमको इसके ऑक्यूपेशन से इसके धंधे से कम नहीं है, धंधा है धंधा है, धंधे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को भाई क्यों एक्यूज पैसे यार खा लिए। मैं तो ये नहीं कह रहा ना, पर ये मेरे को क्यों कह रही है कि भाई मैंने पैसे लिया, अरे पैसे दे देगी क्या तू, जैसे हाँ ये गलत पैसे मिल जाए तो है मेरे को भाई, बहन चोद मर्सिडीज मिल जाएगी जिंदगी में इतना अच्छा हो जाएगा कि बहन मैं तेरे से पैसे लिया है अरे हम पूरा गुजर भाई इंस्टाग्राम से भाई, जो भी जिससे भी मिठा बोलती है, 500 हजार भी नहीं छोड़ती किसी पे, चल बहन चोद 500 हजार छोड़ दू, ये बहन चोद 2-5 लाख रुपए दे देगी। भाई, तुम सीरियसली क्यों ले रहे हो इनको भाई, तुम्हें पता है इंस्टाग्राम में अरे सिर्फ दो दोस्त, तरीके की जगह है, अरे ये भाई आ जाते हैं ना अपने, ये मोटा आ जाता है, पनोड़ी आ जाता है, ये लोगों को सुना रहे होते हैं, अरे भाई तुम्हें नहीं अरे पता, तुम खुद देख इच के मैं चक्कर में फंसोगे ना, उस दिन खुद पता लगेगा। क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं एग्जैक्टली यही बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम में दो तरीके के लड़के होते हैं, एक होता है बकचोदी करके फेम खाने वाले जैसे पनोड़ी और ये राहुल पासवान हो गए, दूसरा होते हैं नीचे, इनको किसी से मतलब नहीं है कौन राइट है कौन रॉन्ग है, इनको बस एंटरटेनमेंट चाहिए इन बड़ुओं को भाई। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, खेल करना यार, इनकी कोई फैमिली नहीं, बहन तो यार सारी फैमिली है, पैसे थोड़ी ना खाएंगे यार इसके, और इतने भाई यार एक बार बता, सीरियसली ऐसे छोड़ो ना, मैं ऐसे बोल रहा इतने, हूँ तो अभी नीचे प्रोफाइल देख लो, इनमें से एक भी प्रोफाइल तुम देख लो, रियल तुम्हें दिख रही है इनमें से एक भी प्रोफाइल, एक फोटो हर एक, किसी की भी रियल प्रोफाइल नहीं है भाई, देख लो 99% ऑफ दीज पीपल यूजिंग फेक प्रोफाइल्स, दे डोंट इवन हैव देयर पिक्चर्स ऑन इट, ना कमेंट सेक्शन देख लो भाई, ना 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 ये सही यहाँ बात है ना। इनको सीरियसली मत लो। अब जैसे ये तुमने अनमोल बोला, इसने क्या बोला कि राठी भाई ने पैसे खा लिए उसके, इसने ये बोला सीरियसली, पता है हम गुजर लोग पैसे देते हैं लेते नहीं है कभी, यार ये इसको सोचने यार, इस इंस्टाग्राम पे बंदा कौन किसके खा लेगा, उसको पता बहन जो पूरी दुनिया के आगे लाइव पे बोलेगी, 2 लाख रुपए के बहन जो 2 करोड़ रुपए की बेइज्जती हो जाएगी, इस बंदी के अगर कोई पैसे खा ले तो बहन, तो इससे तो वैसे डर लगता है कोई मिलने तक ना जाए इसे। डरो भाई, गुजर जाट लोग कभी नहीं डरे कभी मत डरो, ऐसा खतरनाक औरत से पता नहीं क्या ब्लेम लगा दे, इतनी खतरनाक औरत है ये। अरे वो छोड़ो यार, पनोड़ी को ऐड करो भाई, मेरे को बहन जो ठंड लग रही है, बहन जो गर्माहट चाहिए मेरे को, गर्माहट भाई ऐड करो उसको, वो ऐड ही नहीं हो रहा तो मैं कहां से करूं उसे, मैं वो नहीं होगा भाई जब तक मैं बैठा हूँ, ऐड होगा ही नहीं भाई उसको। तू मेरी बात सुन, मैं आऊंगा तुझे पता, मैं आने में तेरे में बहुत फर्क है, तू आ रह रहा, तेरा यहाँ का काम है, तू बता देख, तू माँ चोद रहा है मार रहा नहीं, हाँ या ना, सीधी सुन बात तो ले भाई, सबके सामने, हाँ या ना, यहाँ डीएम पे कमेंट बात होनी कर चाहिए भाई की बात है, यहाँ लो। कमेंट होनी अरे चाहिए, यार दिख, सुन आस पास दिख जाए तो मैं वो कर लूं, इसके लिए पूरा पैरा लगाना, ये तेरे को वादा दिया, तेरा भाई जाके मारेगा। मैंने सब कुछ करा है ना, बात खत्म, आप बात खत्म, तेरे को पता मिल जाएगा सब कुछ, ना ना सही आप देख तू आना था, देख मैं खुद भी नहीं आऊंगा, मैं तो यहाँ तक खुद भी भेज सकता हूँ वैसे तो, फिर चल मैं मैं तो कर रखी है इसलिए कह रहा बात, हूँ बताओ ना, आप मैं करूँ, भाई बाहर रहता है इसलिए कह रहा हूं मैं, सुन तोले मैंने कर रखी है बात, एक बार इसका जाके तेरे
इसी एड्रेस पे जाके उनको एक बार मैं देख भी लूं, रहता भी नहीं रहता वहां, ठीक है ना। अरे मैं बहन की आंख में नु कह रहा हूँ, मेरी जुबान कट जाए बहन चो, अगर मैं एड्रेस निकाल दू तो बात कर दी आपने। पहले प्लानिंग करनी पड़ती है उसके बाद पीटा जाता है, ऐसे थोड़ी ना यार तुरंत पीट दो ना, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ जुबान की ले रहा हूँ, मैंने की जुबान करो तुम यार, मैं खेलो ना पे देखो रशी भाई खेलो के रिकॉर्डिंग पक्का करना भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग करना। मैं अपने भाई इंस्टाग्राम पे दूंगा यार, देख ये गोल्डी अपना भाई है, देख इसका दुश्मन अपना दुश्मन है, ठीक है ना। आपा को ये है कि आपा को कहीं भी अगर पूरी कोशिश करेंगे इसको ये याद रखेगा, पहली बात तो इसके आगे पैरों में पड़वा दूंगा मैं पूरा, ठीक है ना। वो नहीं चाहता देख भाई, बस मेरे मुझे नहीं है आईडी उड़ी है तो उड़ा दूंगा, नहीं मैं तो खुद मुझे अगर उस चूतिए ने ये काम करा ना तो आज निकल वो पकड़ा ही जाना। ये वाला लेवल देख रखा ना, ये वाले लेवल चाहिए, ठीक है ये अभी ये है ये होने चाहिए, अरे ये ठीक है ना, समझ गया। मेरे को ऐसा चाहिए, मुझे ना चाहिए कुछ भी उसका ना। कोई नहीं भाई, देखो जब भी पेलो वीडियो भाई भेजना मेरे को, मैं स्टोरी पे तो पक्का लगाऊंगा भाई, मैं भी थोड़ा फेम खा लूंगा। अब तूने जुबान करी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, आप चले रहे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस इसकी गांड जो फाड़ दी है ऐसे तो फिर तो मैं ही खुद ही, मैं अभी भेज दू ऐसा, मैं खुद बिल्डिंग से बुआ दू दो दिन के अंदर ही। सही बात तो सही है, पट्टेगी इसको, इसने अगर ये आइडिया उड़ा रहा है ना तो इसके इससे बढ़िया तरीके से पूछ लेंगे बहन चोद से, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैंने कह दी ना मेरे पास तो भाई, मेरे साथ इनको लाइव दिखाओ, मैं इनसे एक चीज पूछूंगा गोल्डी भाई, मैं इनसे एक चीज पूछूंगा भाई, प्रोसीजर बताओ आईडी उड़ाने का, ये साले पढ़े लिखे बनते हैं, इनसे प्रोसीजर पूछूंगा मैं आईडी उड़ने का। भाई आईडी नहीं उड़ती ऐसे यार, तुम क्यों नहीं मानते हो लोग यार, ये लोग मैं वही सोचता हूँ ये हमारी गलतियों से उड़ती है, कोई हम गलतियां करते हैं गाड़ियां देते हैं। मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उड़ाने का, ठीक है मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, दोनों भाई बस दो मिनट सुनना, इंटरप्ट मत करना, मैं आपको बताता हूँ ठीक है। अपनी अभी लाइव चल रही है ठीक है, अब जैसे गोल्डी भाई हाइप हो रखे हैं कि मुंह से कुछ वर्ड निकल जाता है, इनके मुंह से ये भी निकल जाता है तेरी मां की चूत बहन के लोड़े, और बंदे ने रिपोर्ट कर दिया ना तो भाई वहां आईडी उड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी लाइव आओ तो कुछ सोच के समझ के, मतलब थोड़ा कॉल्म रह के लो बंदों की, यू नो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा आईडिया आज तक क्यों नहीं उड़ी, मैं जब भी लाइव पे आता हूँ तो भाई सोच समझ के बोलता हूँ भाई कुछ की, मुझे मतलब मैं अपना होश नहीं खोता जोश में, यू नो किसमें करेगी। अगर मैं आपके अकाउंट में अगर मैं हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, अब तुम भाई 50 लोग मेरे को रिपोर्ट करोगे तो किसमें करोगे रिपोर्ट, ये भी क्वेश्चन है ना, किस चीज में करोगे, बुलिंग में, हैरेसमेंट में, न्यूडिटी में, भाई इन चीजों से मेरा लेना देना ही नहीं है, अकाउंट उड़ ही नहीं सकता, हमारी होती है मेरे भाई ये आईडी, ऐसी शांत रहो किसी को कुछ मत बोलो, उसके बाद गोल्डी किसी की औकात नहीं होती, ऐसे आईडी उड़ा दे ऐसे तो बहन चोद ये सबको मार देगा भाई, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स के उड़ा देंगे भाई, ये जितने भी सेलिब्रिटी है ना ये बहन चोद जितने भी, ये ट्रंप वगैरह उड़ा देंगे भाई, ये नरेंद्र मोदी को उड़ा देंगे, तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ये बेमतलब का फेम ले रहे हैं, बेमतलब की हवा ले रहे हैं, इनके इनके हाथों में नहीं है आईडी उड़िया उड़ाना, तेरे को सच्ची बता रहा हूँ, ये इतना इतना इतनी औकात थोड़ी ना है, कितने पैसे कमा लेंगे अगर ये काम कर देंगे तो। भाई कूलर फैन की स्टोर में जॉब करने वाला बंदा आईडी कैसे उड़ा सकता है यार, तुम्हारी बात सुन के हंसी आती है। और क्या यार, उसको उसकी तो है ही नहीं, वो तो वैसे ही टाइम पास करता फिर तो, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है सूफी के पास, तब हवा आ जाए भाई सबको खबर हुए। राम राम गोल्डी भाई, राम राम भाई, बड़े भाई कहते हो आप? बस बढ़िया भाई बढ़िया, बस भाई टेंशन वेंशन ना लो भाई, दिल्ली वाले भी हम बिल्कुल, वो जो एक वो बंदा है ना वो जयपुर का, क्या नाम है उसका, वो जो आपको धमकी देता था, ओ भाई तो गोल्डी पता क्या होगा, गोल्डी पता क्या होगा, आप जयपुर चलेंगे ना, सुन ये भोसड़ी के पहले पुलिस को, मुझे तुझे पता मैं लाइव पे नहीं करता, वो हवाबाजी इनके ना, मैं उसे मान जाऊ, मर्द है वो, मेरे बंदे से मिल लेगा, मान लिया मेरे से मिल गया, बात खत्म।
मुझे वो मुझे किसी की बात ही नहीं करनी गंडू बहन की। भाई वो नीरज पवाड़े की बात कर रहा था ना, मतलब मेरे को ना हंसी आ रही थी, मेरे को बहुत छोड़ो हंसी आ भाई, रही है। छोड़ो छोड़ो यार भाई, कुछ। ओल्डी भाई जो बदमाश हाँ होता है ना वो मुंह से बोलता नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। राइट, वो बात एग्री करना करूंगा भाई, भाई भाई वो ये मिल ही गंडवा तो नहीं भाई, वो रहे, गंडवा भाई मिल रहे कोई हो ना मेरे पास आ जाते। गाली देता भाई यहाँ थोड़ी ना वो नाम ले। अब यहाँ तो पे बोल्टी किसको पता आगे क्या करेंगे भाई, किसको मेरे साथ ये चीज हो चुकी है, इंस्टाग्राम में बंदे ने मेरे से धमकी दी, टाइम टेक लिया चले गए, मेरे स्क्रीनशॉट ले लिए, ओसीडी के पुलिस वालों को जाके दे के आ गए, ये काम है इसमें कभी बिल्कुल। हाँ भाई तू तगड़ा बोल दे उसको, गोल्डी हाँ भाई जहां फंस देखो, गया, जहां फंस गया तू गोल्डी निकल गया, गोल्डी दिखा ले ओसीडी के। भाई ये आईडी वाईडी कुछ नहीं है भाई, फेस वैल्यू होती कुछ है भाई। नहीं, मैंने सही तुम्हें बात है, फेसबुक में, मैंने गोल्डी भाई तुम्हें फेसबुक में मैसेज करा था, मैं कहा भाई तुम्हारी आईडी कौन सी है ना भाई, याद होगा। मैं भाई बुराड़ी रहता हूँ भाई, संत नगर बुराड़ी अपना भाई। यहाँ दो गाँव है, एक गुजरों का गाँव है जगतपुर, और एक अपना त्यागी गाँव है बुराड़ी गाँव, मतलब यही बुराड़ी में ही है। तो भाई अपना हाँ हम बुराड़ी रहते भाई, 11 लोगों का मर्डर होता ना जहाँ बुराड़ी में, याद होगा बहुत आपको। इस जगह सीरीज भी पहले आप देखना, 11 लोगों का मर्डर हुआ था, बताइए। करनाल है ना, करनाल वो बुराड़ी पड़ता है भाई, हम रहते अपना हैं जहाँ सीधे नरंकारी से मेला बाइकर लगता था। बाइकर नाल का है क्या? आप करनाल से भाई? नहीं नहीं ये नहीं भाई दिल्ली मैं से दिल्ली से हूँ, आने बुराड़ी संतनगर, बुराड़ी संतनगर। अच्छा अरे एक मिनट, अच्छा हारन को लो भाई, गोल्डी भाई एक सेकंड, गोल्डी भाई मैं ना थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, कॉल आ रही है, हारन ब्लॉक को लो आप। हाँ हारन को लो, बुराड़ी संतनगर भाई, इसके ऊपर सीरीज भी है, आप देखना एक बार। बुराड़ी संतनगर में मतलब 11 लोगों का मर्डर हुआ था ना, वो जो मेरे साथ वो लड़की पढ़ती थी, वो मेरे साथ पढ़ती थी ट्यूशन में, उसके इसके ऊपर सीरीज भी आप देखना। ये पनौड़ी तो देखो भाई बाहर रहता है वो, उसको बोलने का मतलब भी नहीं है, मतलब उसको क्या बोले। यहाँ रहता तो हम उसको बताए कि हम कौन है क्या नहीं है। वो NCR मतलब दिल्ली वाले को कहते हैं दिल्ली वाले भाई, दिल्ली ना मतलब जो सरकार चलती है ना वो दिल्ली से चलती है, वो बाहर से नहीं चलती। अरे मतलब ऐसे एनसीआर यार कि हमारी देश की राजधानी है, ये भोसड़ी के अरे रू थोड़ी है, कोई सीमेंट गाली सी ना बोले अक्खर देने छोरी रे। अरे का। देसी भाई मैंने तो एक चीज क्या, राम राम भाई जी, मैंने तो एक चीज क्या हंसी आ रही थी, वो बंदा बोला था ना नीरज बवाना से पूछना मेरे बारे में, जो बने मैं बने भाई मान गए तने, सच्ची में तो सुपरेट बंदा यार सुन, फोन ना विदेशी, कोई दुनिया दुनिया ना माँ चोर भाई। है हम मेरे को सुन नहीं जानते ले। किसी को, हमें भाई देख सीधी बात है, गरीब आदमी सीधे साधे इंसान, जिम करते अपने घर से मतलब रखते हैं, हम यहाँ पे आते माँ बहन चोद देते रियल में, जो भोसड़ी का हमें सामने बात करता है, बाकी वैसे हम शरीफ आदमी, हम किसी को नहीं जानते। सही बात है भाई, पहले रखो ठोके रखो। फिर मैं तो जो बात की बात बोल गया था, कोई बंदा बोले भी फलाने बंदे का नाम लियो, किसी का अपन नाम लेवांगे, तब ये बोलेंगे भाई उस बंदे से अरे डायरेक्ट डैड तो के बोल दो, नंद कोई का, बंदा उसके ये नाम लेने से भोसड़ी का पहले मर जाता रंडी का, वो उसको कहा था भोसड़ी गई वहां से बोलो उसके, मत मुझे मत बड़ा क्यों मैं भाई, वो वहां तक पहुंचता ना, उसकी जब ही बहन चोदी थी मैंने, तो तो वो भाई के इसीलिए मुंह से बोलो भाई चलता था। बढ़िया करे, ये बात मैं तुमने लिख के दूं, जयपुर जाते हैं तो पुलिस वाले को बुला लेता, ये तुमने लिख के दूं, अब भी मैं आज ही बोलूं तुमने, अब अरे वो बहन भाई के तो लिए बोल दो। बड़ी अरे होती है, मेरे साथ होगी देसी, देसी मेरे साथ होगी, मेरी गांड फटी है, मेरे को पता है ना, ये बहन के हेलो लौड़े पुलिस के सबसे बड़े मुखबर होते हैं, सबसे बड़े दल्ले होते हैं, मादरचोद। तुम असला विसला लेके जाते अपने सिस्टम से जाते हैं, तब मैं वो तुरंत अब एक बंदे बात है अरेस्ट कर गोल्डी, सकते बंदा हैं। जाएगा सिस्टम से जाएगा, काम बन गया उसका, पुलिस वालों के नजरों में बहनचोद के नंबर बन गए, बदमाश के बदमाश पकड़े गए। बिना 20 दिन का बिना मतलब खत्म काट के आते भाई, ये लिख के अरे दूंगा बहन तुम्हें। के लंड मेरी, अगर तू लाइव सुन रहा होगा ना भोसडी के, जिसकी भी तू हेल्प कर रहा है तेरे को कहीं पे, तू मेरे एरिया में रह रहा है, सुन ले मेरी बहन के लंड, तू मेरे एरिया में रह रहा है, बस फंस मत जाइयो मुझे, फंस गया तो तेरे खून से ब्रेकफास्ट लंच करूंगा मैं बहन के लंड, इतना खतरनाक हूं मैं। तू जो डेडी मार डेडी रहा ना उसके बाद पीजीओ के आपके गेड़े, एड तेरी मां चोद दूंगा बहन के लौड़े, तेरा बदला भी मैंने लिया था,
तू भूल गया क्या, दुनिया के साथ गलत कर सकता, बैन के लंड, मैं अकेला घुस के तेरी माँ चोदूंगा, तू छिप ले जितना छिपा जाए तेरे, माधर चोद तेरी माँ ने दम दिया हो ना बहन के लंड, निकल तो पुलिस वालों तक के भी तू पैसे लेके भाग गया माधर चोद, तू बंदा कहता तू मेरी असलियत बताएगा बहन के लोड़े कौन है तेरे की तरह मुखबर नहीं है। मैं तो इसीलिए तो बोल रहा था ये भाई लोग ये समझ गए थे, कल बोले नहीं आ रहे लोग, बोले ड्रग गेम का डरने डरने का कुछ नहीं, वो इतनी दूर से बोल रहा तो कोई सिस्टम था, बंदा कोई जानकर उसका पुलिस वाला या मुखी रहे, ये अपने सिस्टम चाहेंगे इनका काम बन जाएगा बिना 20 दिन का बिना मतलब का हाइट के हम बहन के लोड़ा की इनकी शक्लें देखी, इनका लात मुंह पर मार दी है, ऊन ही सांस पाटता इनका, ये बहन के लोड़े मैसेज हम बात चोदते हैं जाके नहीं ये करना है, यो गोल्ड भी चला जाता जयपुर अरूड़ा जाके बहन का लोड़ा प्रशासन ठा लेता के करते जो तो फाइनल था भाई, यही काम होना था, कोई बंदा कोई कुछ नहीं आना था, अगर ये दिमाग से काम ना लेते और जज्बात में आके निकल जाते तो भाई हकीकत अरे यार उस गंडवे को इतनी अगर उसकी पावर होती ना गोल्डी, उस संजय की महाजन ने ना उसको पुलिस से उठवा दिया था, वो बहन का लौड़ा भागे हुए फोन बंद करके, ये इनकी पावर है बहन कोई डंका मानस होगा ना ये बताओ चला बराबर के बंदे चल बाल का कोई बात हो जाए, एक दिन आप गुस्से में बोलते दो दिन गुस्से में बोलते कदे डंका मानस बारी बारी नहीं बोले, अगर तू जयपुर आ तो जयपुर आ, उसने भाई जीना को नहीं कहिए बता मेरे, वो के सिस्टम का इनका काम बनना था और ये भाई दिमाग का काम ले गए अपना, ये बच गए एक एक महीना काट के आंदे। मेरे एरिया में सुन तो ले, मेरे एरिया में पुलिस वाला ने लेकर चल रहा था बहुत सड़ी का, और मेरे एरिया में मैं ठुकवा दिया, तू ये सोच तू जयपुर जाने की सोचा उड़ता क्यों कर छुटका जाएगा उसको, ये वो एक एक ये दिमाग का पता कहाँ काम लेके जाओ, बोल दिया ना मैं अकेला आऊंगा, अकेले का बोल दिया, लगे लगा दिमाग नहीं चला बैठा कोई बंदा, तू उसका बात कर रहा जयपुर का कौन बदमाश है, उसने एक बार लाइफ पे लेके आया एक बार दिखा भी मैं मिलूंगा तुमने, फिर ना जवाब फिर बात बोल देते ना भाई तुम बंदे अच्छे नहीं, वो वैसे ही गेम खेल रहा था भाई, मैं तो समझा था उससे मैंने क्या बोला था कि तेरे वहीं है तू मर्द है बहन के ना, सर्च कर अशोक होटल निविया रोड देख वहीं चलो नहीं आई से यहाँ से दिखाता हूँ, देख बच्चे बात करने से बच्चे पैदा थोड़े ना होते हैं, कांड करने से होते हैं, तो देखता तू यहाँ से नजारा देखता बहन के रंड, तू बता देता तेरी बहन के मुंडी हल जाती तो वहां बता दे गाड़ी आते नहीं, वो ही है ना चूतिया बनती है भाई, अपनी जिंदगी जी रहे बढ़िया जिंदगी जियो, इन गंडुआई के चक्कर में ना पड़े जाए तो इससे बढ़िया है, जो राठी भाई तुझे बताई दिया अपना दिमाग का जो खेल है, उसके बाद मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब भी मेरे को जाना है जब भी कोई दिक्कत नहीं, तुझे पता ही है तुझे तू तो सारी जानता है क्या अपना टारगेट था कौन है क्या है अपने, उसके बाद भाई वे आए ना आए कोई मौके किसी का वेट थोड़ी ना करना है, आज जब मैं बहन चौध के चले जाऊंगा उधर उसका उसके कजन के वो पकड़ लेंगे बात खत्म, माई बराबर मेरा तो मैं बाबार थोड़ी देखो कौन कद आएगा बहन करंट बाहर, मुझे क्या करना है अपने चीजों को लेकर आई पर कभी नहीं होते अनजान आदमी, जिससे अपने ना जमीन बटे ना प्लाट बटे उनको लेकर कभी आई पर, और कोई दूसरी जगह का बोले ना या तो बोले पूरा ग्रुप दिखाए ये मेरा ग्रुप है भाई आ जाओ तुम फिर तो मिलो, ग्रुप ना दिखाए ना देसी तुम्हें बोसड़ी के दारू पी के ठटे रहे हैं, रात को दारू पी के किसी की भी मां चोट सकते हैं, बस सुबह तक इनकी गांड फटी होती है बहन, तो ये तक इनको पता नहीं होता कहाँ पड़े हुए हैं बहन के लोड़े ऐसे हैं ये, मैं भाई कभी गलती मत कर दियो गोल्डी, ये मैंने करी हुई है मैंने भुगती हुई है, अरे भाई तुझे पता है मैंने बताई ना जिस एक क्लास में पढ़ते हो उसका बहन के बहुत पीछे छोड़ दी वो, जयपुर जा जयपुर जा, जयपुर में क्या बहन के लोड़े, जयपुर में कोई वो है बहन चो तो मेन तो तुम आना ही नहीं, आना हो तो बहन चो तो तुम यहाँ नहीं आ जाओगे, इतने बड़े गुंडे हो तो दिल्ली आ जाओगे तुम, ये गंडोए अगर कहीं भी मेरा लिंक नहीं निकला ना बहन के लंड जिंदगी में यहाँ नहीं आऊंगा लाइफ पे, इस कमेंट में पढ़ लेना जो दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट लिख रही है दान रखियो ठीक
अपना ज्यादा नहीं प्रौढ़ी औकात में रहे। तू देख तुझे पता है तू क्या है और हमें पता हम क्या है। तू वहां बैठ के हवाबाजी कर सकता है, अदर तू सामने जिंदगी में नहीं आ सकता। माँ की कसम सामने आ गए ना तेरे को ना ऐसे रहते है गैल में, तेरे को हेलो तक हाथ मिलाने का भी वो मौका नहीं देंगे, मेरे से हेलो भी नहीं बोलने देंगे। इतने तो बहन गए तेरी मुंडी को अलग गिर देंगे। ये बात है मेरा। और रही दूसरा देख तेरे टट्टे का देख, मैं तो भाई इलाज तो बांधूंगा ही बांधूंगा उसका तो। ये तो बहन की इंस्टाग्राम की सारी गांड में घुसेट दिया तो मैंने। ये बहन के लोड़े हमारे को तो सबको आवाज बोल देते हैं, साइड वाले एनसीआर वालों को, इनको इनको कोई कुछ नहीं बोलता। ये बहन के लोड़े है ही कुछ नहीं है। हम और हम किसी के कहने से नहीं चलते हैं, अपना माइंड हमारे पास सब कुछ है। वो संजय लगता है बहन का लोड़ा कोई लड़ाई कर ले उसकी तो कोई चैन चून भी खोस ले जाएगा। उसका कोई बंदा होगा, कोई जयपुर में कोई बंदा होगा, वो तो कोई तो नुकसान हुए ना जो सामने से दिखावे भाई तू कोई पुलिस वाला है पाओगा कोई नहीं पाओ किसी का नाम तो ले भाई हम जवाब देंगे उसके बाद में। कोई नाम तो ले किसी बंदे का, किसी बंदे का नाम तो ले एक बार जवाब हम देंगे। एक बार नाम ले दी वो इसीलिए भाई ये चीज जैसे हाँ इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम तक करो भाई यहीं गाड़ी गुड़ी सुन लिया करो दे दिया करो मत फालतू के भाई किसी से मत उलझो। कोई बंदा इतना सनकी हो जाता है और ये लोग तो भाई देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ कहीं इसके उन लोगों के फंस मत जाना दिल्ली ही बैठे हैं 20 दिन फंस गया ना गड़बड़ हो जाएगी भाई ये लिख के दो मैं तुम्हें भाई तो बता तो रहो। आप तो बस वही वेट देखा यार आप तो के बोला बैठ तो जब तक आदमी फंस ना जाता जब तक भाई अपना तो यही है बहन की चूत बहन के लंड दर लो अपनी शटरन को बंद करो। मैं मान जाऊंगा तुम मालिक हो तुम्हें ये बात है तुम तीनों टट्टे हो ना और एक चौथा ये ठीक है जो कुत्ता हमारे यहाँ है भाई तुम्हें मैं मान जाऊंगा करोड़पति की रईस बाप की औलाद तो अपनी शटरन को बंद करके और मैं मान जाऊंगा एक हफ्ते लाइव चला दो तुम कहते हो ना मालिक है। अरे बहन के नंडो क्यों हवाबाजी करा करो नौकर हो नौकर रहो मेरा किसी से मैटर खत्म मेरा मैटर हुआ है गिरे हुए इंसान से खत्म बस। वो लाइव पे आके कह गया भाई मेरा लेना देना नहीं है वो सपा कह गया मेरा लेना देना नहीं है जिसको जो समझ आपको आप जो जिसको समझ रहे हो आप किसी को समझो मुझे मतलब नहीं है पर मेरा लेना देना नहीं सबके मुंह पे बोल के जा रहा हूँ ठीक है। और ठीक है वो अपनी जगह वो जैसा भी लड़का था वो गया छोड़ गया मुझे उससे मतलब नहीं है मुझे मतलब है इन गंडुए से। मेरा आईडी उड़ाने में दो है यार मुझे मतलब क्या उससे जब उसे गाली दी थी मैंने इसलिए दी उसने स्टोरी लगाई लाइव पे ऐड हुआ था उसने आके कल क्लियर कर दिया मुंह पे बोल गया सबके उसके बाद में रहा ये बात। देख आईडी उड़ाने वाले वो दो है पनौडी एंड सूपी ठीक है और जो यूएसए वाले टट्टे है जो आ रहे बड़ाई में हवाबाजी करने बहन के लंडो देखो कभी भी ना खाने कमाने धमाने में ना कभी शर्म नहीं करनी चाहिए कभी भी कहीं भी कोई कहीं भी जॉब कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो छुपानी नहीं चाहिए यार उससे कुछ नहीं होता भाई दुनिया कमाती है दुनिया जॉब करती है लेकिन गुरप्रीत को ऐड करना गुरप्रीत कर दिया अपनी हवाबाजी ना करनी चाहिए जैसे हो तुम बढ़िया अपनी जगह रहो लेकिन हवाबाजी ना करो हवाबाजी कुछ नहीं है कौन सा क्लब तोड़ा था आपा ने ये कौन सा क्लब है वैसे नाम तो बताओ। अच्छा 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 वो अच्छा कराओ मेरी बात बूथ मैनेजर से बात कराओ मैनेजर से
और सुनाओ सुप्रीत पाजी ठीक हो गया यार दिमाग फोन तो नहीं लेकिन वेट पाजी भी पार्टी कर रहे हैं पूरी दारू कंप्लीट लग कोई मतलब नहीं है इसने भी कार पिए सुमित बाजी के डाल पिए बाद में जब तक एक नंबर बंदा है अच्छी 200 किलो का हाथी उसकी माँ की ओके भीम भीम ओके कैमरा बंद कर अबे यार तू चले मतलब बालों की दुकान क्या खोल के बैठा अपनी डीएम कॉल माना अच्छा ठीक है देखिए करते लाइव चालू दोबारा फिर ठीक है ओके लौट ले भाई ठीक है राम राम भाई सारे भाई अंदर भाई दोबारा आ रहा हूँ इन नौकरों की बहन चोद ने थोड़ी देर में